नमस्ते, एडिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम भुने हुए टमाटर की चटनी बनाएंगे। यह चटनी खाने में इतनी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है कि अगर आपके घर पे कोई सब्जी ना हो तो आप इस चटनी को बना लें। इस चटनी के साथ आप दो रोटी के बजाय चार रोटी खा लेंगे, क्योंकि यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, इन सबको मैंने काट लिया है और नमक लिया है। यहाँ हम टमाटर को आग में पकाकर इसकी चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम टमाटर पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। गैस ऑन करेंगे, इस पर हम इसे रखेंगे और इस पर हम टमाटर रखेंगे। टमाटर को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए, ये चारों तरफ से अच्छे से पक गया है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये अभी बहुत गर्म है, इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। यह ठंडा हो गया है। अब हम कटोरा में पानी लेंगे, हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसके छिलके को उतारेंगे। इसी तरह हम सारे टमाटर के छिलके को निकाल लेंगे। टमाटर को आग पर धीमी आंच में ही पकाएं, नहीं तो टमाटर का छिलका ऊपर से जल जाएगा लेकिन वह अंदर से कड़ा ही रहेगा। धीमी आंच में पकाने से टमाटर अंदर तक बहुत ही अच्छे से गल गया है। इसे हम फोक से मैश करेंगे। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। देखिए टमाटर कितने अच्छे से अंदर तक पक गया है। इसका जो ऊपर का ये मुख वाला भाग था टमाटर का, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए टमाटर अच्छे से पका था इसलिए यह कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको टमाटर की खट्टी मीठी चटनी पसंद है तो आप इसमें आधा चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं। यह तैयार है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। भुने हुए टमाटर की चटनी तैयार है। धन्यवाद।